जो है हम ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन में क्या अंतर होता है इसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। ये आपका चाक पाउडर है, चाक पाउडर हम बनाए हैं, और ये जो है ये आपका सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक है। तो सोडियम हमने बताया था कि सोडियम क्लोराइड को पानी में डिजॉल्व करते हैं तो ट्रू सॉल्यूशन बनता है, लेकिन चाक पाउडर को डिजॉल्व करेंगे तो सस्पेंशन बनता है। तो हम लोग यही कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन में क्या डिफरेंस है। तो चलिए सस्पेंशन बनाते हैं और ये चाक पाउडर है, चाक पाउडर को पानी में डिजॉल्व करते हैं, ठीक है, ठीक। चलिए ये आपका सस्पेंशन बना रहे, ठीक है, और बाद में इनका कंपैरेटिव स्टडी देखेंगे और फिर देखेंगे कि हमने बताया था कि फिल्टर पेपर को सस्पेंशन के पार्टिकल पार नहीं कर पाते, जबकि ट्रू सॉल्यूशन के केस में पार कर जाते। चलिए सस्पेंशन बन गया, ठीक है, अब चलिए ट्रू सॉल्यूशन बनाते, ठीक है। सभी लोग शांत रहें और ध्यान से देखें, ये आपका साल्ट है, अब इसे ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं और बाद में हम कंपेरेटिव दोनों के बीच कंपेरेटिव स्टडी करेंगे। यस सर। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, हमने बताया था कि सोडियम क्लोराइड का वाटर में जो सॉल्यूशन बनता है वो ट्रू सॉल्यूशन होता है, होमोजीनियस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, क्लियर होता है, सॉल्यूट पार्टिकल दिखाई नहीं देते हैं, सारे प्रॉपर्टीज आपको दिख रहे हैं ना? यस सर। और फिल्टर पेपर जो है सॉल्यूट पार्टिकल को अलग नहीं कर सकता, इसको भी चेक कर लिया जाए। चलिए और फिर सस्पेंशन के बारे में देखेंगे। इधर देखिए सस्पेंशन में क्या हुआ, क्या आपको क्लियर बाउंड्रीज में नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है सर। ये क्या होमोजीनियस मिक्सचर है? नो सर। ट्रू सॉल्यूशन है? यस सर। ये क्या है? हेटेरोजीनियस है और सस्पेंशन है। यहाँ पर कोई क्लियर बाउंड्री दिख रहा है कि इधर साल्ट है और इसके इधर वाटर है? नो सर। कुछ नहीं दिख रहा है, ये ट्रू सॉल्यूशन है। इसको फिल्टर पेपर जो है सॉल्यूट पार्टिकल फिल्टर पेपर को क्रॉस नहीं कर पाएगा और इसमें सॉल्यूट पार्टिकल आराम से क्रॉस कर पाएगा, फिल्टर पेपर उसको रोक नहीं पाएगा। तो चलिए फिल्टर पेपर से एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसको ऐसे बनाएंगे, ठीक है। फिर ध्यान से देखिए फिल्टर पेपर का यूज कैसे करते हैं, इसको एकदम उसी शेप का बना लेंगे जैसा कि फनल का शेप है, ठीक है। अब ध्यान देखिए, ध्यान देखिए, क्या ये नमक साल्ट के पार्टिकल को रोक पाएगा? अब यहां अभी चेक किया जाएगा, दो मिनट बाद वाटर पूरा चला जा रहा है, क्या ये भी साल्ट का पार्टिकल बचेगा? थोड़ी देर बाद अभी देखेंगे। और चलिए अभी देखेंगे, ये वाला फनल देना, ये वाला फनल, अब यहाँ चेक करते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ ऑलरेडी ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, ठीक है, बट दोबारा चेक कर लेते हैं। अब सस्पेंशन के केस में देखेंगे कि क्या फिल्टर पेपर सस्पेंशन के पार्टिकल को भी क्रॉस होने देता है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं क्योंकि सारे पार्टिकल तो नीचे बैठ गए हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब इधर देखिए, इसमें देखिए, इसमें क्या साल्ट का एक भी पार्टिकल रुक पाया है? ध्यान से देखिए, कोई साल्ट का पार्टिकल है इसमें? बिल्कुल भी नहीं, कहीं भी नहीं, क्योंकि साल्ट के पार्टिकल इतने छोटे होते हैं ट्रू सॉल्यूशन में,
साल्यूट के पार्टिकल जो फिल्टर पेपर को भी पार कर जाते हैं। अब इसमें देखिएगा थोड़े देर बाद, वैसे ही पता चल रहा है कि चाक का एक भी पार्टिकल इसमें जा नहीं रहा, बट दो मिनट रुक जाते हैं। वैसे हम दिखाई देते हैं आपको, यू कैन ऑब्जर्व इट, कोई भी चाक का पार्टिकल इसको क्रॉस नहीं किया, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? यस सर। ठीक है, ये क्लियर दिख रहा है ना? यस सर। यानी सस्पेंशन के पार्टिकल फिल्टर पेपर को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सस्पेंशन के पार्टिकल की साइज क्या होती है? बड़ी, जबकि ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल की साइज छोटी होती है और वो फिल्टर पेपर को आराम से क्रॉस कर जाते हैं। ठीक है, सबको क्लियर है? यस सर।